सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन. आज 9th अगस्त 2019 फ्राइडे है, सुबह के 8:09 हो रहे हैं. आज हफ्ते का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है. कल हमने देखा निफ्टी में जबरदस्त अपसाइड मूव हमें देखने को मिला था, जो कि फंडामेंटल न्यूज थी. फाइनेंस मिनिस्टर ने इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं इनके साथ एक मीटिंग की. उस मीटिंग का जो आउटकम आया उससे बाजार में काफी पॉजिटिवनेस दिखाई दिया. FPI के ऊपर यानी सुपर रिच के ऊपर जो सरचार्ज लगाया था उसे घटा दिया है, और LTCG टैक्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये जो है उसे भी हटा दिया है. अभी 3 साल के बाद अगर आप पोजीशन होल्ड करते हैं और उसके बाद अगर आप कोई शेयर बेचते हैं तो उसके ऊपर अगर आपको गेन होता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा. तो ये दो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ से बाजार में काफ़ी अपसाइड मूव देखने को मिला. इसका जो सिग्नल था प्राइस चार्ट में, ये जो सिग्नल था इसका प्रीवियस डे ही हमने यहाँ पर ये सिग्नल आइडेंटिफाई किया था. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देखा होगा तो आपको पिवट बार रिवर्सल पैटर्न के बारे में आपको पता होगा, आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीक काफ़ी ट्रेडिंग के लिहाज से नेक्स्ट वीक काफ़ी छोटा होने वाला है, 2 छुट्टियाँ आ रही है. तो फ्राइडे का आज जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इसमें एक वोलेटाइल मूव आज देखने को मिल सकता है. तो सबसे पहले लास्ट कल का यानी थर्सडे का जो एनालिसिस हमने किया था इसका एक क्विकली रिव्यू करते हैं. ये एक पिक्चर है 8th अगस्त आफ्टर मार्केट आवर्स, ये पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक यहाँ मिल जाएगी. तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 10,895 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 10,836. तो जैसे कि आप देख रहे ब्रेकआउट लेवल के पास ये निफ्टी इंडेक्स कल ओपन हुआ और सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पर और तुरंत नीचे आया, और ब्रेकडाउन लेवल के पास ही इसने सपोर्ट लेके फिर से एक बार अपसाइड मूव दिखाने की कोशिश की, और हमारे ब्रेकआउट लेवल के पास ये काफ़ी देर तक इसने पेनेट्रेशन किया. और जैसे ही ये ब्रेक हुआ यहाँ पर तो हमारा फर्स्ट टारगेट 10,922 ये एग्जैक्ट यहाँ पर अचीव हुआ, और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला. और जैसे ही फंडामेंटल न्यूज़ ये मीटिंग के बारे में मीडिया में आ गई और उसके बाद हमने देखा ज़बरदस्त अपसाइड मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला. सेकेंड टारगेट 10,948 ये भी अचीव हुआ. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 33,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. एनालिसिस शुरू करने से पहले जो इंडिपेंडेंस डे का अपस्टॉक्स का ऑफर चल रहा है उसके बारे में मैं आपको बता दूं. 15th अगस्त तक अगर कोई अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपन करता है हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर तो कोई भी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस नहीं लगेंगे, और जो हमारे इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल सकता है. और एक ऑफर है, ये जो FAB200 प्रोमो कोड है अगर आप ये यूज करते हैं हमारे अंडर, अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ₹200 का डिस्काउंट ब्रोकरेज यहाँ पर मिल सकता है 15th अगस्त के पहले. तो ये एक ऑफर था. सबसे पहले अभी ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल US मार्केट नासडैक बढ़त के साथ बंद हुआ, 176 पॉइंट की बढ़त देखने को मिली. यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में कल बंद हुए, और आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो SGX निफ्टी, जापानीज इंडेक्स निक्केई, हांगकांग मार्केट और चाइना मार्केट हरे निशान में इस समय ट्रेड कर रहे हैं. और FII की एक्टिविटीज देखे आप लास्ट 2 डेज की, तो ग्रॉस परचेस वर्सेस अगर आप ग्रॉस सेल्स को कंपेयर करें तो लास्ट 2 डेज में इसमें कमी दिखाई दी है. यानी अभी FII भी सेलिंग के मूड में नहीं है, परचेस के मूड में दिखाई दे रहे लास्ट 2 डेज से हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है. तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ का ये असर हमें यहाँ पर दिख रहा है. डाउ फ्यूचर की बात करें तो अभी फिलहाल 82 पॉइंट की गिरावट यहाँ पर दिखा रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे, हमें पॉजिटिव एक अपसाइड सिग्नल प्राइस चार्ट में दिखाई दिया. आज फ्राइडे है तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे. ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, मंथली चार्ट है ये, यानी एक कैंडल एक मंथ का हाई लो ओपन और क्लोज हमें यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है.
तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को हमने ड्रॉ किया है, जो लास्ट बॉटम और हाई बना था उसको पकड़ के। तो इसका 23.6 का ये जो लेवल है 27,446, ये ऑलमोस्ट ये 20 एमए का ये जो पिंक लाइन है यहाँ पर ही एग्जैक्ट आ रहा था। तो मंथली चार्ट में अभी 27,400 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अभी ये मंथ शुरू होकर 10 दिन हो चुके हैं, तो यहाँ पर ये सपोर्ट फेस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो पिंक लाइन है ये 2016 में ब्रेक हुआ था, और इसके बाद इसने ब्लू लाइन के पास ये जो 50 ईएमए का ब्लू लाइन है यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट लेके बाउंस बैक दिखाया था, और उसके बाद ये 20 ईएमए का लगातार ये सपोर्ट टेस्ट कर रहा है और बाउंस बैक दिखा रहा है। तो क्या अभी यहाँ से 20 ईएमए का फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट करके ये ऊपर जाएगा? ऊपर जाते वक्त इसे हायर आए हायर लोस का पैटर्न बनता है तो हमें अपसाइड का यहाँ से जो अपसाइड मूव आ सकती है उसका कंफर्मेशन मिल सकता है। तब तक ये सपोर्ट यहाँ पर बना रहेगा 27,400 का। ये लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट में हम देख रहे हैं मंथली चार्ट में। तो ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट का एनालिसिस। वीकली चार्ट में चलते हैं। ये है वीकली चार्ट, आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डाउन ट्रेंड में जब भी हैमर जैसा कैंडलस्टिक पैटर्न आता है तो यहाँ से अपसाइड मूव का ये सिग्नल होता है, सिग्नल होता है, कंफर्मेशन नहीं होता। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर और एक इसके बाद नेक्स्ट वीक बुलिश कैंडलस्टिक बनना होगा, और ये जो 50 ईएमए का ये जो अभी हर्डल है वीकली चार्ट में ये अराउंड 28,498 यानी 28,500 के पास आ रहा है। ये पहला रेजिस्टेंस होगा अगर ये टुवर्ड्स अपसाइड मूव दिखाता है तो ये पार करना होगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है कोई डिसीजिव मूव आती है तो हमें बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ से अपसाइड मूव और दिखाई दे सकता है। अभी फिलहाल नीचे की तरफ ये जो ये लो बना है इस वीक का 27,400 के पास ये फर्स्ट सपोर्ट होगा, और उसके बाद यहाँ पर ये जो 100 ईएमए है ये अराउंड 26,800 के पास आ रहा है, ये नेक्स्ट सपोर्ट होगा। हालांकि अभी जो फंडामेंटली न्यूज़ है और टेक्निकल सपोर्ट के ऊपर अभी ये जो बाउंस बैक दिखाया है ये उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ से और अपसाइड मूव हमें देखने को मिले। हालांकि कल 200 पॉइंट का निफ्टी में हमने जंप देखा है तो हो सकता है आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे यहाँ पर। सो बी कॉशियस वाइल ट्रेडिंग। ये वीकली और मंथली चार्ट का एनालिसिस हो गया। चलते हैं डेली चार्ट में बैंक निफ्टी के। यह बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, अगर यहाँ पर आप देखें तो ये निफ्टी के चार्ट जैसा काफी सिमिलर होता है, सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी बनता है। ये यहाँ पर 5th अगस्त को हैमर कैंडलस्टिक बना था, उसके बाद बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक आया था जो कि पिवट बार रिवर्सल पैटर्न है, यानी प्रीवियस कैंडल का ये जो हाई लो और क्लोज है इसके कंपेयर में इस कैंडल का हाई लो और क्लोज इसके ऊपर है। तो यहाँ पर ये पीवट बार रिवर्सल पैटर्न बना था। डाउन ट्रेंड में जब भी ये फर्स्ट टाइम आता है तो यहाँ से चांसेस होते हैं कि ट्रेंड रिवर्स हो यहाँ से। तो यहाँ पर हमें कल देखने को मिला जबरदस्त अपसाइड मूव आया था बॉटम बनने के बाद, और अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर डबल बॉटम फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। ये डबल बॉटम फॉर्मेशन है जो कि ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल है। तो अभी यहाँ से अगर अपसाइड मूव आता है तो ये फिर से एक बार हो सकता है, यहाँ से फिर से ये जो नेक लाइन अभी बनेगा डबल बॉटम का अराउंड 28,000, इसको ये फिर से एक बार टेस्ट करे एज ए सपोर्ट और फिर ऊपर की तरफ यहाँ से मूव करे। तो यहाँ पर काफी अच्छा ट्रेंड रिवर्सल का पैटर्न बना हुआ है डेली चार्ट में। तो ऊपर में हमने देखा कि यहाँ से अगर टूवर्ड्स ऊपर की तरफ अगर ये मूव होता है तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 20 ईएमए का आ सकता है। 20 ईएमए के पास ही ये जो यहाँ पर पास्ट में इसने स्विंग लो बना है ये स्विंग लो ये भी अराउंड उसी के पास आ रहा है 20 ईएमए के पास। तो 28,870 का यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, उसके पहले यहाँ पर प्राइस एक्शन के हिसाब से ये जो स्विंग लो बना है 28,527 के पास ये यहाँ पर फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, और सेकंड रेजिस्टेंस होगा 28,870 के पास, और नीचे सपोर्ट जो ये बॉटम बना है 27,400 ये फर्स्ट सपोर्ट होगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें
ये जो हाई और ये बॉटम बनाए इसको पकड़ के, तो 23.6 का फर्स्ट लेवल यहाँ पर 28,400 के पास आ रहा है, 397 राउंड फिगर कर लेते हैं 400 के पास, तो यहाँ पर 28,400 उसके तुरंत बाद ये 28,500, तो इसके बीच में यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस कर सकता है बैंक निफ्टी में, और नीचे 27,400 का सपोर्ट है। तो ये है डेली वीकली और मंथली चार्ट का बैंक निफ्टी का एनालिसिस। चलते हैं निफ्टी के चार्ट में, आज के इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं आइडेंटिफाई करेंगे, उससे पहले वीकली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। लास्ट डे है इस वीक का, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर बॉटम बना दिया है 100 ईएमए का, ये जो ग्रे लाइन है ये अराउंड 10,760 के पास आ रहा है, यहाँ पर एग्जैक्ट इसने बॉटम बना दिया है और ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। तो अभी यहाँ से अगर ऊपर आता है तो फर्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा 23.6 का फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, जो कि अराउंड 11,094 यानी 11,100 के पास आ रहा है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा यहाँ पर, और उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 50 ईएमए का होगा, जो कि अराउंड 11,200 के पास है। तो ऊपर में 11,200 और 11,100 रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, और नीचे 10,760 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन अभी बना हुआ है। तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो, चलते हैं डेली चार्ट में। यह है डेली चार्ट निफ्टी का, यहाँ पर अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सुपर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न। तो ये जब भी ऐसा पैटर्न आता है निफ्टी इंडेक्स में तो हमें जबरदस्त अपसाइड मूव दिखाई दिया है। पास्ट की अगर बात करें तो कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर यानी ऑलमोस्ट 16-15 में को हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था, अगर चाहे तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये डबल बॉटम फॉर्मेशन आने के बाद जबरदस्त अपसाइड मूव हमें निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिला था, अभी फिर से यहाँ पर यह डबल बॉटम फॉर्मेशन आ गया। लेकिन ये जब भी ये ऊपर जाएगा तो फर्स्ट हर्डल्स है यहाँ पर मूविंग एवरेजेस के है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के है। तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा ये इन रेजिस्टेंस लेवल को इसे पार करना होगा, तो ये यहाँ से अपसाइड मूव और भी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर अभी ये जो डबल बॉटम फॉर्मेशन है इसका नेक लाइन अराउंड बन रहा है 10,950 के पास, तो हो सकता है ये ऊपर रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर ये ऐसे रेजिस्टेंस फेस करके फिर से इस नेक लाइन को ये टेस्ट करने आ जाए और फिर बाउंस बैक दिखाए, या फिर सडन स्ट्रॉन्ग अपसाइड मूव आए और एक एक हमारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है मूविंग एवरेज और फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को एक एक ब्रेक करे। तो यहाँ पर अभी फिलहाल अपसाइड मूव का स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला हुआ है, और नीचे अगर सपोर्ट की बात करें तो 10,760 एज पर वीकली चार्ट का 100 ईएमए जहाँ पर आ रहा है वो सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये है डेली वीकली का एनालिसिस निफ्टी इंडेक्स का। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली आज के लिए इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये अगर कल का अगर हाई अगर ब्रेक करता है यहाँ पर यानी 11,059 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट जो होगा ये अराउंड 11,112 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जहाँ पर ये 100 ईएमए का भी ये जो ग्रे लाइन है ये आ रहा है, ये काफी लंबा हो सकता है फर्स्ट टारगेट। तो उससे पहले जहाँ पर इसने ये एक टॉप बनाने की कोशिश की थी यहाँ पर एक सपोर्ट इसने लिया था, और उसके बाद यहाँ पर दो आर्स ये जो 31 जुलाई का ये जो कैंडलस्टिक है यहाँ पर इसने एक रेजिस्टेंस फेस किया था छोटा, और उसके बाद यहाँ पर 2 अगस्त को भी एक हाई बना था लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं हुआ था। तो इसके पहले 11,085 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,112 ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर टुवर्ड साउथ की तरफ अगर ये मूव करता है तो काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। पहले तो ये 50 ईएमए का ब्लू लाइन है ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं, उसके बाद पिवट पॉइंट का ये लेवल है ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और उसके बाद 20 ईएमए है, तो काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स है, तो काफ़ी रिस्की होगा आज के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाना। फिर भी जो कंपल्सिव ट्रेडर्स है उनके लिए ये अगर 11,000 को अगर ब्रेक करता है ये 11,000 के नीचे अगर सस्टेन करता है
तो ही इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का। ये जो लेवल है 10,978 ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 10,940-50 कर लेते हैं, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। हमने बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस किया, निफ्टी का भी एज पर टाइम फ्रेम चार्ट हमने एनालिसिस किया। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी